हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में अपना वीकली हेयर केयर रूटीन लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम आप लोग के साथ में जो अपडेट होती है हमारी, मैं डे वाइज कर रही थी, वो अपडेट नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मैंने कहा कि आप लोग मेरा वेट करोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ कि आपको कैसे करना है अपना वीकली हेयर केयर रूटीन। और ऐसे ही जो आप फर्स्ट वीक करोगे, वैसे ही आपको कंटिन्यूटी में पूरे टाइम करना होता है। जैसे हमारा मंथ में 4 वीक होते हैं, जैसे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, जैसे 4 वीक होते हैं, वैसे ही करना है, सेम वीक के अकॉर्डिंग ही करना है। बट हाँ, यहाँ पर आपको अपना पैक, ऑयल, टोनर, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंडीशनर DIY लगाते हैं। मैं अपना DIY लगाती हूँ, मैं कभी कुछ लगाती हूँ कभी कुछ लगाती हूँ। मैंने आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर करी हुई है। सो गाइज, फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला दिन होगा, फर्स्ट डे, उसमें आपको करना है अपने बालों को अच्छे से शैम्पू। शैम्पू के बाद आप यूज़ करोगे अपना जो आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रहे हो, तो वो यूज़ करिए, कम से कम 1 महीने यूज़ करिए, ठीक है। उसमें अपने बालों को आपको क्या करना है, डिप करना है। आप आफ्टर शैम्पू क्या करोगे, एक टब में पानी लेकर के उसको अच्छे से भर लेना है टब को, जिसमें आप अपने बालों को डिप करोगे। तो उसमें आपको डालना है 2 कैप के करीब एप्पल साइडर विनेगर, अपने बालों को उसमें से निकालना है। उसके बाद आपको प्लेन वाटर में नहीं निकालना है, ठीक है। मैं अपना बता रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे अकॉर्डिंग करो, जैसा मैं आपको बता रही हूँ मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अनुसार आप ले सकते हो, यहाँ पर अपना जिंजर का भी पानी ले सकते हो, अपना राइस वाटर भी ले सकते हो, आप लेमन वाटर ले सकते हो, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर आप चूज़ कर सकते हो। मैं अपना डे बाई डे, जैसे मंथली होता है ना हमारा, वैसे मैं चेंज करती रहती हूँ। और कभी कभी मन होता है तो मैं डे बाई डे चेंज कर लेती हूँ, तो रोज़ ही नहीं चेंज करती हूँ। बिकॉज मैं हफ्ते में 3 टाइम हेयर धोती हूँ अपने बालों को, वीक में 3 टाइम्स मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ। जब पैक लगाना होता है तो इंसान को हेयर वॉश करना ही होता है, ठीक है। तो आपको अपने बालों में पहले शैम्पू करना है, उसके बाद से आपको अपने बालों को एप्पल साइडर विनेगर वाले वाटर में डिप करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से नहीं निकालना है, उसी बालों में आपको लगाना है अपना फेवरेट कंडीशनर, ठीक है। कंडीशनर आप अपना जो लगाते हो पूरे लेंथ में वो भी लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो कंडीशनर अवेलेबल है उनका क्या है कि आप अपने स्कैल्प में यूज़ नहीं कर सकते हो, और जो हमारा जो कंडीशनर है वो आप स्कैल्प से लेकर रूट्स तक लगा सकते हो, ठीक है। अपने पूरी लेंथ में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गई कंडीशनर की बात। उसके बाद जब आपके बाल सूख जा, फिर अपने बालों को आपको निकालना है पानी से, तो आप एप्पल साइडर विनेगर वाले पानी से ही निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद से अपने बालों को आपको सुखाना है। जब आपके बाल 50% 80% ड्राई हो जाते हैं, तब आपको अपने फेवरेट सीरम लगाना है, जो भी आप सीरम यूज़ करते हो। मैं अपना DIY ही यूज़ करती हूँ, मैंने आप लोग के साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगी इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, जब आपने अपने बालों में सीरम लगा लिया है, तब आपको यूज़ करना है अपना टोनर। जो आप अपना टोनर बना रहे हो, बनाकर लगा रहे होगे, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग लगाते होगे मेरा बताया हुआ टोनर, और आप लोग को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बिकॉज बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं, दीदी आपके हेयर पैक, हेयर केयर जो रूटीन है बहुत ही अच्छी है, इफेक्टिव है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हो, तो मुझे अच्छा भी लगता है। मेरी हेल्थ डाउन थी, बट मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है बिकॉज आप लोग के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, और मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, बिकॉज मेरी पूरी डायरी भरी हुई है आप लोग के साथ में शेयर करने के लिए, इस वजह से। सो गाइज, उसके बाद से आपको टोनर यूज़ करना है। आपके जब बाल अच्छे से सूख जाते हैं, तब आपको टोनर यूज़ करना है, ठीक है। टोनर तक की बात क्लियर हो गई, तब आप अपने बालों में रात में करोगे अपना बेस्ट विंटर हेयर ऑयल, चाहे आप अपना फेवरेट ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आप ऑयल करते हो, ठीक है। तब आपको आप ऑयलिंग के बाद आपको लेनी है स्टीम, 5 से 6 बार टावल में रैप करके लीजिए या फिर स्टीमर के साथ में लीजिए। मेरा स्टीमर जो है वो डाली में छूट गया है, तो मैंने नया ऑर्डर किया है, आ जाएगा 10 से 12 दिन में, बिकॉज थोड़ी सी डिलीवरी जो है वो लेट हो रही है। जब आ जाएगा तो मैं रिव्यू और उसका जो यूज़ करने का तरीका है वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। स्टीम लेना है 10 से, अगर आप स्टीमर से ले रहे हो तो 5 से 10 मिनट के लिए लेना है, और अगर आप अपना टावल से ले रहे हो तो 5 से 10 बार अपने टावल को डिप करिए हॉट वाटर में, और उसके बाद से अपने बालों में स्टीम लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत सी डैंड्रफ ऐसी होती है ना जो चिपक जाती हैं, तो वो अच्छे से निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, और आपके जो ऑयल होते हैं वो पूरी लेंथ में स्कैल्प में अंदर तक जाते हैं, पोर्स तक जाते हैं, तो जो आपका हेयर होता है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद से आप अच्छे से स्टीम ले लिया आपने अपने बालों में ऑयल लगाकर, अपना अपने बालों को आप अच्छे से फोल्ड करके और जूड़ा बना लीजिए,
ठीक है, 2 घंटे बाद अपने बालों को आप खोल लीजिए और उसके बाद से आप अपनी अच्छी सी ब्रेड बना लीजिए, ठीक है, और उसको आप फोल्ड कर लीजिए, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बनाना वैसे बना लीजिए, या फिर आप जैसे करते हो वैसे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड डे। सेकेंड डे आपको क्या करना है, अपने बालों में अप्लाई, अपने बालों को आपको खोलना है, उसके बाद से अपने बालों में फिर से स्टीम लेनी है, ठीक है, और स्टीम लेने के बाद से आपको अपने बालों में कॉम्ब करना है, कॉम्ब करके आप अपने बालों को जूड़ा बनाकर छोड़ दीजिए कम से कम 2 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद अपने बालों में आप अपना कोई फेवरेट टॉनिक यूज़ कर सकते हो, टॉनिक लगाकर आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए ओवरनाइट के लिए, ठीक है, और उसके बाद से आप रात में 2-3 बार स्टीम ले लीजिए। स्टीम लेने के बाद नेक्स्ट डे आपको अपने बालों को वॉश करना है शैम्पू के साथ में, ठीक है। उसके बाद से आप, जब आपका थर्ड डे होगा, तो थर्ड डे आप क्या करोगे, अपना कोई फेवरेट पैक बनाइए, उसको यूज़ करिए और अपने बालों में लगाइए, ठीक है। और उसके बाद से अपने बालों में जब आप पैक लगा रहे हो तो आप उसमें देख लो कि कौन सा आप पैक लगा रहे हो, वो अगर केवल पानी से निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर केवल पानी से नहीं निकलता है तो आपको शैम्पू यूज़ करना है, तो आप अपने बालों में शैम्पू करिए। उसके बाद से आप अपने बालों को, जैसे आप कर रहे हो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग, कंडीशनर, सीरम, टोनिंग, फिर उसके बाद से आप अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे, ठीक है, हॉट ऑयल यूज़ करेंगे। पैक के बाद हमेशा हॉट ऑयल यूज़ करने की कोशिश किया करिए, बिकॉज़ बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको थर्ड डे ऐसे करना है, और उसके बाद से हमारा आता है फोर्थ डे, ठीक है। फोर्थ डे में आपको करना है क्या है कि आप अपने बालों में कोई अच्छा सा बेस्ट अपना हेयर ऑयल लगाइए, और ऑयल लगाने के बाद से आपको क्या करना है कि उस ऑयल को आपको फोर्थ डे छोड़ देना है और फिफ्थ डे भी उसको छोड़ देना है, ठीक है, और उसको छोड़ दीजिए आप ऑयल लगे हुए बालों में। और उसके बाद से जब आपका फिफ्थ डे डे आएगा, उसमें आपको करना है कि आप अपने बालों में स्टीम लोगे अच्छे से और अपने बालों में टॉनिक यूज़ करोगे बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको टॉनिक यूज़ करना है, और उसके बाद आपको अपने बालों को छोड़ देना है ऐसे ही ओवरनाइट के लिए। फिर आप 7 डे में क्या करोगे कि आप अपने बालों को अच्छे से मसाज दोगे, ठीक है, हल्के हाथों से, हल्का सा तेल गुनगुना किया आपने और हल्के हाथों से आपने मसाज दिया अपने बालों को, और उसके मतलब हेड को नीचे, अपने हेड को डाउन करके, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें आपने अपने बालों में यूज़ की है अब तक 1 से लेकर 7 डेज़ के अंदर, वो सारी चीज़ें आपके बालों को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, आपके बालों को स्मूथ बनाएगी, डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होगी उसको भी ख़त्म कर देगी। तब आपको क्या करना है 7 डेज में, ये जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको 7 डेज में ये करना है कि अपने बालों को अच्छे से मसाज करना है, हेड मसाज कहते हैं जिसे, और उसके बाद अपने बालों में आप लगाइए टॉनिक 2 घंटे के लिए, और उसके बाद अपने बालों को टॉनिक लगाकर वॉश करना है आपको शैम्पू के साथ में। शैम्पू करा आपने, फिर उसके बाद आपको कंडीशनर करना है, सीरम करना है, टोनिंग करना है। उसके बाद जैसे ही आपने फर्स्ट वीक अप्लाई किया था वैसे ही आपको अपना ये डेली का रूटीन बनाते हुए चलना है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जहाँ भी आपको डाउट लग रहा हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को ऐसे समझ में ना आया हो तो मैं वहाँ पर आप लोग का रिप्लाई कर दूंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं और बहुत से लोग के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और बस इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।